रेलवे भर्ती ग्रुप डी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट आज की डेट का एग्जाम एंड हो चुका है। मुझे कुछ क्वेश्चन मिल चुके हैं जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने के लिए जा रहा हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था रीजनिंग का, इसका आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है? तो आप डायग्राम कैसे बनाएंगे? नदी, समुद्र, आकाश। नदी भी अलग है, समुद्र भी अलग है और आकाश भी अलग है, तो अलग अलग बन जाएगा, ठीक है? इस तरह से डायग्राम बनेगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945। अब आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं जिम योंग किम। कौन है? जिम योंग किम। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि विश्व बैंक की सीईओ कौन है। तो विश्व बैंक की सीईओ है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पेट्रोलियम एक है। तो दोस्तों, पेट्रोलियम एक है प्राकृतिक ईंधन। क्या है? प्राकृतिक ईंधन। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया। तो वास्को डी गामा का स्वागत किया था जमोरिन ने। किसने किया था? जमोरिन ने। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि वास्को डी गामा भारत कौन से सन में आया था और कहां पर आया था। तो वास्को डी गामा भारत 20 मई 1498 ईस्वी में कालीकट आया था। 20 मई 1498 में कालीकट। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नेस्ले कंपनी के सीईओ कौन है। तो नेस्ले कंपनी के सीईओ हैं पॉल बुल्के। कौन है? पॉल बुल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में कितने अंग होते हैं। तो भारतीय संसद में कुल 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गेट का मुख्यालय कहाँ है। तो गेट का मुख्यालय है जिनेवा। कहां पर है? जिनेवा। अब आपको यही पता होना चाहिए कि गेट का फुल फॉर्म क्या होगा। तो गेट का फुल फॉर्म होगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। क्या होगा? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसका मुख्यालय कहां पर है। तो इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और 1 जनवरी 1995 को इसका नाम विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया। इसमें इसके सदस्य कितने हैं? कुल 161। कितने हैं? 161। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में संकरण तत्वों की संख्या है। तो आवर्त सारणी में संकरण तत्वों की संख्या है 38, यानी कि 38। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है। तो एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। अब आपको यही पता होना चाहिए कि एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहां पर है। तो एक्सिस बैंक का मुख्यालय है मुंबई। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक्सिस बैंक के चेयरमैन कौन है। तो एक्सिस बैंक के चेयरमैन है संजीव मिश्रा। कौन है? संजीव मिश्रा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गिफ्ट सिटी किस शहर में बन रहा है। तो गिफ्ट सिटी अहमदाबाद, गुजरात में बन रहा है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। कौन है? विजय रूपाणी। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि गुजरात के राज्यपाल कौन है। तो गुजरात के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश कोहली। कौन है? ओम प्रकाश कोहली। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि गुजरात की राजधानी क्या है। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बावनवां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 किसे दिया गया। तो बावनवां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 शंख घोष को दिया गया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आमिर खान को 2017 में किस फिल्म के लिए अवार्ड मिला। तो आमिर खान को 2017 में दंगल फिल्म के लिए अवार्ड मिला था। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि आमिर खान को 2017 में दंगल फिल्म के लिए कौन सा अवार्ड मिला था। तो आमिर खान को 2017 में दंगल फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था? फिल्म फेयर। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि दंगल फिल्म के डायरेक्टर कौन है। तो दंगल फिल्म के डायरेक्टर हैं नितेश तिवारी। कौन है? नितेश तिवारी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यजुर्वेद चहल किस खेल से संबंधित हैं। तो यजुर्वेद चहल ये क्रिकेट से संबंधित हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यजुर्वेद चहल ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी कि कहाँ के रहने वाले हैं। तो यजुर्वेद चहल
ये जुलाना जींद हरियाणा के रहने वाले हैं। कहाँ के? जुलाना जींद हरियाणा, जुलाना जींद हरियाणा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं सुमित्रा महाजन। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सुमित्रा महाजन है ये कौन से नंबर की लोकसभा की अध्यक्ष हैं। तो सुमित्रा महाजन लोकसभा की 16वीं अध्यक्ष हैं। कौन से नंबर की हैं? 16वीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, तो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, तो बंगाल के राज्यपाल हैं केसरी नाथ त्रिपाठी। कौन है? केसरी नाथ त्रिपाठी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन थे, तो इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे विराट कोहली। अब हम लोग विराट कोहली के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को बीसीसीआई ने सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना। कोहली को 12 जून 2018 को पाली उम्र की ट्रॉफी प्रदान की गई। कब प्रदान की गई? 12 जून 2018 को पाली उम्र की ट्रॉफी प्रदान की गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थकर थे, तो महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थकर थे। अब आपको यह भी याद रखना है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व। और इनका जन्म स्थान कौन सा है? वैशाली। कौन सा जन्म स्थान है? वैशाली। आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संजू फिल्म के निर्देशक हैं, तो संजू फिल्म के निर्देशक हैं राजकुमार हिरानी। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसमें कौन अभिनेता था और कौन अभिनेत्री। रणबीर कपूर, प्रवेश रावल, मनीषा कोराला, दिया मिर्जा, विकी कौशल, सोनम कपूर, अनुष्का शर्मा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 286 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो 286 ये सल्फर इलेक्ट्रॉनिक का विन्यास है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा बनाई गई, तो आधुनिक आवर्त सारणी ये मोजले के द्वारा बनाई गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 90 ग्राम पानी में कितने मोल होंगे, तो 90 ग्राम पानी में कुल 5 मोल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो फ्यूज तार का प्रयोग विद्युत परिपथ में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। अब सेकंड सेट के क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, तो दोस्तों यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान होगा ये बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वी मिशन स्कीम किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, तो दोस्तों वी मिशन स्कीम ये केरल राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है? केरल। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि केरल राज्य का गठन कब हुआ था, तो केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल के आधार पर केरल भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, तो क्षेत्रफल के आधार पर केरल भारत का 22वां सबसे बड़ा राज्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल है कप्तान सिंह सोलंकी। कौन है? कप्तान सिंह सोलंकी। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बिल्व कुमार देव। कौन है? बिल्व कुमार देव। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। क्या है? अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत मोटर फैराडे के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल मैरीटाइम डे
ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पिजन से गुजरने पर किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है? यहाँ पिजन नहीं होगा, ये प्रिज्म होगा, ठीक है, प्रिज्म। प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है? तो बैगनी का, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बैगनी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। कौन है? अक्षय कुमार। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि टाटा मोटर्स के सीईओ कौन है? तो टाटा मोटर्स के सीईओ हैं गुंटर बुचेक। कौन है? गुंटर बुचेक। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि टाटा मोटर्स की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा मोटर्स की स्थापना 1945 को हुई थी। इसका संस्थापक कौन है? जीआरडी टाटा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जमशेदपुर, भारत। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि टाटा मोटर्स के मालिक कौन है? तो टाटा मोटर्स के मालिक है रतन टाटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि कोका कोला के सीईओ कौन है? तो कोका कोला के सीईओ है जेम्स क्विंसी। कौन है? कौन है? जेम्स क्विंसी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोका कोला कहाँ की कंपनी है? तो कि कोका कोला ये अमेरिका के जॉर्जिया अटलांटा की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? अमेरिका के जॉर्जिया अटलांटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यदि किसी वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? यदि किसी वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि पंजाब के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो पंजाब के वर्तमान राज्यपाल हैं बृजेंद्र पाल सिंह बदनौर। कौन है? बृजेंद्र पाल सिंह बदनौर। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि पंजाब की राजधानी क्या है? तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्यूबा की राजधानी कहाँ है? तो क्यूबा की राजधानी है हवाना। कहाँ है? हवाना। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्यूबा के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो क्यूबा के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं राउल कास्त्रो। कौन है? राउल कास्त्रो। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्यूबा की मुद्रा क्या है? तो क्यूबा की मुद्रा है क्यूबियाई पेसो। क्या है? क्यूबियाई पेसो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? तो अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो अफगानिस्तान के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं अशरफ गनी हमजदई। कौन है? अशरफ गनी हमजदई। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल।